छतरपुर में कलेक्टर ने बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए, जिस पर राजस्व अमले ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बस स्टैंड पर हाट ठेले और अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड बसों के लिए होता है, लेकिन यहां हाट ठेले और अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, जिससे बसों को लगने में परेशानी होती है। अतिक्रमण की वजह से हाट ठेले वालों से रोजाना विवाद की स्थिति बनी रहती है, इसलिए SDM तहसीलदार नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाकर हाट ठेला दुकानदार और गुमठी वालों को हिदायत दी कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमणकारी हट जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अतिक्रमण को हटाए जाएंगे। ये स्टैंड बस स्टैंड न कहलाकर फल ठेलिया स्टैंड के लिए जाना जाता है। प्रशासन का दिखावा साल में एक दो बार होता रहता है और फिर प्रशासन व्यस्त, अतिक्रमण और फल ठेलिया वाले मस्त हो जाते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आज बस स्टैंड पर RI पुलिस, RTO, तहसीलदार, CMO के साथ में बस स्टैंड गए थे। बस स्टैंड को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से गए थे कि यहाँ व्यवस्थित हो जाए, बसें सही तरीके से लगें, अनावश्यक उनको परेशानी ना हो, बस वालों को दिक्कत आ रही है वहाँ पर, और टैक्सी व्यवस्था करने तो व्यवस्थित करने को उद्देश्य वहाँ गए थे। वहाँ जो अनावश्यक अतिक्रमण जो वो किए हुए हैं उनको भी हिदायत दे दी है, समय रहती है हटा लें, अन्यथा वो नगर पालिका अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।